पूर्वपक्षी पूछता है विद्यांच विद्यांच तद्वेदगुण सह तप विद्याच विप्रस्य नैश्रेयसकरम परम इत्यादिना कर्मणामपि अमृतत्व प्राप्ति हेतुत्वम अवगम्यते। विद्यांच विद्यांच, विद्या से उपासना, विद्या से कर्म, ये दोनों को जो जानता वही जो है विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृतम अश्रुते कहा है। ईशवास्य उपनिषद 11वां मंत्र है। तपो विद्याच विप्रस्य, विप्र का तप और विद्या यही दोनों मिलकर के निश्रेष को कराने वाले हैं, परम निश्रेष को प्राप्त कराते हैं इत्यादि के द्वारा कर्मणामपि कर्म को भी अमृतत्व की प्राप्ति का साधन ऐसा मालूम होता है, अवगम्यते इति चेत सत्यम। अदांगिकार के तो बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन विद्या की उत्पत्ति में कर्म कारण है, मोक्ष की प्राप्ति में कर्म कारण नहीं। अवगम्यते वा तद अपेक्षित शुद्धि द्वारेण न च साक्षात। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए अपेक्षित जो अंतगण शुद्धि है तद्वारा कर्म भी कारण होता है मोक्ष के लिए, न तो साक्षात। परंपरा मानूंगा तथा ही, जैसे कि विद्यांच विद्यांच कहते, देखो समझा विस्तार से, तपो विद्याच विप्रस्य न श्रेष कर्म पर विद्यादि ना ज्ञान कर्मणोर निश्रेष हेतुत्वम अभिधाय। ज्ञान और कर्म को निश्रेष का कारण बता करके कथम मनयो हो तद हेतुत्वम इत्याकांक्षायाम। लेकिन विचार हुआ क्या दोनों ही साक्षात कारण है मोक्ष का, तब विचार करने पर कहते नहीं नहीं, तपसा कलमशम हंति विद्या अमृतमष्टोत। स्पष्ट कहा वहां पर उत्तरार्ध में, तपसा कलमशम मंती, कर्म के द्वारा तप आदि कर्म के द्वारा वो अंतकरणगत जो कलमश को नाश कर देता है, तब विद्या के द्वारा अमृतत्व को भोगता है। इस अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतमष्टुत इति वाक्य शेषेण कर्मण कलमश क्षय हेतुत्वम। वाक्य शेष के द्वारा स्पष्ट ही है कर्म हमेशा कलमश का क्षय का साधन होता है। विद्याया एव अमृतत्व प्राप्ति हेतुत्वम प्रदर्शितम, विद्या ही केवल जो है अमृतत्व के प्राप्ति के साधन है यह दर्शाया गया है। यत्र तो शुद्ध्यादि अवांतर कार्य अनुपदेश तथापि जहाँ पर यदि कह दे कोई कर्म से सीधा मोक्ष का, ऐसे भी तो वाक्य मैं आपको दिखाऊंगा। यदि ऐसा वाक्य हो तो भी वहां पर अन्य उपनिषदों के आधार पर तत्व समन्वयात कर दिया जाएगा। जैसे आपने देखा था चांद्योग्य उपनिषद में का तेजो सृजत, इसलिए तेज उत्पत्ति किया, और चैतन्य क्या कहा आत्मा आकाश संभूत, आकाश और वायु को छोड़ किसी से तेज कहा चांद्योग्य में। तमाम भाष्यकार वगैरह निर्णय क्या दिया ब्रह्म सूत्र के आधार पर कि आकाश वायु उत्पाद्य ऐसा अध्यार हुआ। अन्य उपनिषद के आधार पर उन दोनों को बीच में जोड़ लेना पड़ता है। उसी प्रकार जहां कहीं कर्म से साक्षात मोक्ष कहा रहे हो वहां भी हम अन्य उपनिषदों के आधार पर जोड़ लेंगे। शाखांतर उपसंहार न्याय शाखांतर उपसंहार न्याय तीसरे अध्याय तीसरा पाद ब्रह्म सूत्र में विस्तार रूप में आएगा। पूरे तीसरे पाद में अनेक प्रकार से विचार किया किन मंत्रों का किन उपासनाओं का परस्पर उपसंहार करना है नहीं करना है, किन गुणों का उपसंहार करना है नहीं करना है, किन ब्रह्म विद्याओं का उपसंहार करना है कि नहीं करना है, इन सब पर विचार करते हुए तीसरा अध्याय का पूरा तीसरा पाद इसी पर वर्णन किया है ब्रह्म सूत्र में। तभी पूर्व पक्ष कहता है ये तो कहा ना कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजिच्वे क्षतगं समाह इति। ईशावास दूसरा मंत्र है, यावज्जीव कर्मानुष्ठान नियमे सति कथम विद्यायाः मोक्ष साधनत्वम्। यावज्जीवन कर्मानुष्ठान का नियम कथन कर दिया गया है, अतः विद्या का अवसर ही कहाँ रह जाता है, विद्या का अभ्यास कब करेगा वो, कर्म के छिद्र काल में करेगा, कर्म सवेरे का क्या सुबह दोपहर का करने बीच में थोड़ा बहुत समय मिला उस समय में उसको थोड़ा ब्रह्म विद्या का अभ्यास करनी पड़ेगी, उसे मोक्ष कैसे होगा। क्यों कर्म का नियम से इतना फंसा है, आज जीवन फंसा हुआ है, उसको अवसर ही नहीं मिलता, थोड़ा बीच में अवसर मिल भी जाए उसे थक थका हुआ रहेगा, या अन्य
घर गृहस्थी का अपना काम उसको करना पड़ेगा। जहाँ पिताजी उठ के बाहर आते कर्मकांड से, बच्चा खड़ा है, पिताजी फीस दे दो, क्या करेगा वो, कहाँ शांति से बैठ पाएगा, परम चिंतन करेगा कि बच्चे का फीस देगा। इसीलिए घर गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तो कर्म करते हुए ब्रह्म विद्या का अभ्यास करें, इसके लिए अवसर ही नहीं श्रुति के आधार पर, क्योंकि सारा जीवन लगा दिया श्रुति ने कर्म कांड में। खत्म विद्याया मोक्ष साधनत्वम उच्चत है, तब जवाब देते सिद्धांत, अरे इस मंत्र कर तुमने समझा ही नहीं। कर्मणि अधिकृतस्य अयम नियम, सबसे पहला उपाय जवाब यह है, ये जो नियम किस पर लागू हो रहा है, जो कर्म में अधिकृत है, विरक्त के लिए नहीं। कर्म में अधिकृत कौन होता है, अर्थी, जो कामना के अर्थ है, विभिन्न कामनाएं हैं, या धनार्थी है, लोकेष्णा है उसके पास, पुत्रेष्णा है, वित्तेष्णा है, वो लगे रहेगा, उसके लिए वो नियम है। जो दोनों ऐष्णों को जो त्याग दिया उसके लिए कर्माधिकार है ही नहीं, उसके लिए नियम लागू नहीं हो सकता। जैसे आम जनता के लिए एक नियम लागू हो जाता है, अब उधर जो आज की भाषा में VIP बोलते हैं, वो जैसे आज है सारे नियम ताक में रख दिया जाता है, सब हटो, पहले उसको अंतजार दे दो, नियम किनारे हो गए कि नहीं हो गए। इसलिए सन्यासी जो है VIP कैटर वाला है, ये जैसे आएगा सारे नियम इधर उधर हो जाएंगे, कोई नियम लागू नहीं होता उसके ऊपर। कहते सुनो, कर्म नहीं अधिकृत से वायु नियम न अनधिकृत अनियोज्य से ब्रह्मवादी न, क्योंकि ब्रह्मवादी क्या है, वो ब्रह्म चिंतन करता ब्रह्म ही है, वो तो नियोज्य ही नहीं, पूर्व विचार करके बोल चुके हैं ना, वो विधि का विषय नहीं हो सकता, वो नियोज्य ही नहीं है। अनियोज्य से ब्रह्मवादी न अनधिकृत तथा च विदुष कर्म अनधिकारम दर्शयति श्रुति, स्वयं श्रुति ने विद्वान व कर्म में अधिकार नहीं है इस बात को प्रतिपादन किया है। नहीं तद विद्वान ऋषिना विधेयो न रुद्यते विधिना शब्दचार हो, एतद विद्वान, इस ब्रह्म को जानने वाला जो विद्वान है उसको ऋषिना विधिना विधेयो न रुद्यते शब्दचारात्मक शब्द आचरण विषय कथन का शब्दचार शब्द प्रधान जो विधियां हैं विधेयभूता वस्तु को लेकर के, ऋषि मणि ऋषिणा तृतीय ऋषि मण वेदेना ऋषि मन वेद वेदेना एतद विद्वान, एतद भी क्रिया विशेषण बना दो, विद्वान के पुल्लिंग है, एतद नपुंसकलिंग है, ऋषिणा विधिना मैंने वेद प्रोक्त विधियों के द्वारा तो शब्द प्रधान होकर के व्यवहार होता है, शब्दचार विधेय विद्वान न रुद्यते न रुद्यते इत्यर्थः, न विधेय न रुद्यते शब्दचार विधि न ऋषिणा विधि न विधेय न व उपरुद्यते, न ही विधेय कोटि में आता है, न इसका उपरोध ही किसी प्रकार से किया जा सकता है, ऐसा यह जो आत्मक ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है। एतद् भस्म वै तत् पूर्वे विद्वान स्वग्निहोत्रम न जुहवान चक्री रे, और वेद मंत्र कहते देखो, एतद् भस्म वै तत् पूर्व विद्वान सो, वह यह जो ब्रह्म है इसको जानने वाले पूर्व काल में भी जो विद्वान थे उन्होंने अग्निहोत्र आदि कर्मों का हवन कदाचित भी नहीं किए, उन्होंने सर्वस्व त्याग दिए। एतम वैतम आत्मन विदित्वा ब्राह्मणा पुत्रेष्णयाश्च वित्तेष्णयाश्च लोकेष्णयाश्च वित्थाय अथ भिक्षाचर्य चरंती, ये तो प्रधान ने कहा 3-5-1। वह यह आत्मा को जान करके परोक्ष रूप न जाना, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया उपनिषदों से, उसे अप्रोक्ष अनुभूति जब करना चाहता है, ऐसे जो ब्राह्मण है वो क्या करते हैं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा तीनों ऐष्णाओं को परित्याग करके वित्थाय उनसे ऊपर उठ करके अथ भिक्षाचर्य चरंती संन्यास आश्रम को धारण कर लेते हैं। एतद् भस्म वै तद् विद्वांस आहो ऋषयः कावशयाः किमर्थं वयं मध्येष्यामहे किमर्थं वयं यक्ष्यामहे स ब्राह्मणः केन स्यात् येन स्यात् तेन ईदृशेव इति, एक और का मंत्र है। एतद् भस्म वै तद् विद्वांस उस ब्रह्म को जानने वाले कावशय गोत्रोत्पन्न
जो ऋषि लोग हैं उन्होंने कहा था आहु, क्या कहा? किमर्थम वही मध्य श्याम है, अरे क्यों हम मध्यान अध्यापन करें? किमर्था वयम यक्षाम है, किस लिए हम यजन करेंगे, अर्जन कराएंगे? स ब्राह्मण केन स्यात्, वह ब्राह्मण जिसको आश्रित करके इस प्रकार का कथन करता है, ये न स्यात् तेन ईदृश एव स्यात्, उसी के बल पर वो इस प्रकार का ही हो जाता है। माने जिस ब्रह्म को आश्रित करके वो इस प्रकार का कथन करने में समर्थ हो जाता है, वह अंत में ब्रह्म ही हो जाता है। इस बात को भगवान ने भी कहा है भगवान गीता में, यथाह भगवान तीसरे अध्याय 17वां और 18वां श्लोक में, यस्त्वात्मतरेव स्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, जो आत्मरति रहता है, आत्मा में रमण करने वाला है, आत्मनिष्ठ है, अच्छा आत्मचिंतन में ही तृप्त है, बाह्य विषयों की तृप्ति की अपेक्षा ही नहीं रखता, आत्मचिंतन से ही वो तृप्त रहता है, इसे बाह्य किसी विषय की अपेक्षा ही नहीं रहती तृप्ति के लिए। ऐसे जो मानव, यह मानव आत्मन्येव च संतुष्टः, इसलिए आत्मा में ही संतुष्ट है, बाह्य विषयों का लाभालाभ से कोई लेना देना नहीं उसको। अच्छा बाह्य विषयों का लाभ यदृच्छा लाभ है न संतुष्ट कह दिया, प्रारब्ध कर्मानुसार है ना, जो माल्टा लाभ है उसी में जो है मजे में रहता है, ना अधिक की अपेक्षा है कि नहीं, न न्यूनता होने पर कोई दुख नहीं है, यही सा निर्णय लेते प्रारब्ध में है ही नहीं तो क्या है, नहीं आया तो नहीं आया कोई बात नहीं। एक महामंडलेश्वर हुए बताते, चुना खड़े कर रामेश्वर गिरिजी करके, बड़े विद्वान थे, उद्भट विद्वान, जबरदस्त न्याय दर्शन तो पूछो ही मत, जबान में ऐसी थी, अत्यंत कठिन विषय भी अनायास पढ़ाने में समर्थ थे। ये उनकी विशेषता बताते हैं वहाँ परंपरा के लोग, वहाँ उसे जूनागढ़ गुरु का आश्रम जो गुरुगद्दी है हरेर आश्रम कनखल में, वहाँ रहा मैं 4 साल, वहाँ के लोग बताते परंपरा की कहानी। वो रोजाना गुलाब का पूरा वो बबगीचा बना रखे, 1000 गुलाब शिव सहस्र नाम से आराम से एक एक नाम बोलते हुए रखते 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 पूरा यूं बना देते, शिव जी ढक जाते थे, मृत्युंजय का मंदिर इतना बड़ा शिवलिंग पूरा ढक जाता था सहस्र नाम से, इस ढंग से एक एक करके बोलते बोलते और उसके पास सहस्र नाम गाते थे, और गाते गाते या बाद में आरती करते वक्त यदि ऊपर से कुछ फूल लुढ़क जाए ना, बहुत खुश हो जाते, ताली बजाते थे, आज जरूर सेठ आए। और आश्चर्य बताते हैं, जरूर कोई ना कोई आ जाता था, और कहते महाराज हम यहाँ भंडारा करना चाहते हैं, और ये पैसा लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, भंडार क्या था उनके अंदर सामर्थ्य, इधर चल लाभ, मैंने उनको कोई इच्छा नहीं थी, कोई से मांगते नहीं थे, कुछ नहीं, बड़ा एक घंटा लगा हुआ था जहाँ बैठे थे गद्दी में, डंडा से घंटे को मार देते ठन, तुरंत कोई ना कोई सेवक जाते थे ब्रह्मचारी वगैरह, हाँ महाराज चाय लाओ, चला गया, दूध ही नहीं, चाय कहाँ से लाएगा, वो लाते थे गंगा जल लेकर जाता, अच्छा आज गंगा जल में चाय की भावना करके हमने पीना है, कोई बात नहीं, उठा के चाय भगवान की जय हो पीते थे। ऐसे ऐसे संत हुए हैं, इधर चाला हमने संतुष्ट प्रैक्टिकल किया है, और उसमें वो कहीं नहीं आनंदित होते, इसका देने कि हमारे यहाँ रहने वाले महात्मा भूखा नहीं रहे, कुछ अच्छा आजमाल मिलेगा, उनका भाव ये था अपने लिए थोड़ी, कोई सेठ आएगा मैंने कोई रहने वालों को कुछ मिलेगा ना महात्मा खाने को, ये रहता था। इसलिए कहते हैं कि भाई वो जो होते हैं विद्वान आऊगा किमर्थम अध्य श्यामे किमर्थम यक्षामे स ब्राह्मण केन स्याद केन स्थाने न ईदृश स्याद, उसी श्रुति के आदर स्मृति कर रही है, आत्मरतिरेव स्याद आत्मन्येव संतुष्ट, अन्य वस्तुओं से संतोष की अपेक्षा ही नहीं है उसको, तस्य कार्यम न विद्यते, स्पष्ट कर दिया उसके पास कोई कार्य नहीं, फिर अब ये करना ये नहीं करना बात खत्म, विधि निषेध से परे हो गया वो, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन
न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेन अर्थ, उसके शरीर के माध्यम से कोई कर्म आदि पूजा पाठ कुछ हो भी जाए ना, उसे उसका कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। अस्य तस्य कृतेन नैव अर्थ कंचित, कोई प्रयोजन नहीं है। न आकृति नहीं है कश्चन, और उसे कर्म नहीं हो रहा है तो कोई ग्लानी रहा, आज कोई कर्म ही नहीं हुआ, मेरे से पूजा नहीं हुई, मेरे से जप नहीं हुआ, मेरे से ये नहीं हुआ, वो कोई पश्चाताप, कोई दुख, कोई क्लेश मन में होता ही हुआ नहीं हुआ बराबर है। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय, कहते हैं सर्वभूतेषु सकल भूतों में भी वह किसी भी प्रकार का अपने कोई प्रयोजन को देखता नहीं। कोई आवे, कोई रहे, कोई करे ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करे तो भला, ना करे तो खुद लग जाएगा, लेकिन अपेक्षा किसी भूतों में किसी प्रकार उसके अंदर नहीं रहता है। सर्वभूतेषु कश्चित अर्थव्यपाश्रयो न च अस्य विदुषः। तथा च भगवान परमेश्वरो लैंगिक कालकूटोपाख्याने, लिंग पुराण में कालकूटोपाख्यान में स्वयं भगवान शिव जी ने कहा है, जाने नहीं तेन नहीं तय न होनी चाहिए ना, जाने नहीं तेन क्या है आपके, नहीं नहीं ये ते न है कि ये ते वह है, न है ना, हाँ या वह है। ज्ञाने नैतेन विप्रस्य त्यक्तसंगस्य देहिनः कर्तव्यं नास्ति विप्रेन्द्रा अस्ति चेत् तत्त्विन्न च। ज्ञाने नैतेन विप्रस्य त्यक्तसंगस्य देहिनः कर्तव्यं नास्ति भो विप्रेन्द्राः। विप्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रेष्ठ गण ऋषिगण सुनिए, जो व्यक्ति ने सर्वस्व सब प्रकार का संग को त्याग दिया, त्यक्त संगस्य इस देह में रहते हुए भी ऐसा जो विप्र है उसका एतेन ज्ञानेन इस ज्ञान के कारण से कर्तव्यम नास्ति कुछ भी कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता। यदि कहता है मेरे कर्तव्य बाकी है वो तत्वित्ति नहीं है। अस्ति चेत यदि कर्तव्य विशेष है बोल रहा है तो समझ लेना चाहिए तत्विन्न च, निश्चित रूपेण तत्वता है ही नहीं, वही कृत कर्तव्य हो चुका। न किंचित में कर्तव्यम यह संसारे, प्रार कर्मादि न शरीर के द्वारा हो रहा है तो ठीक है, ना हो रहा है तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कई बार सुना चुका हूं, शिवानंद जी महाराज सुना के सुना करते थे। पहले यह था कि मैं करता था, मैंने इतना किया, मैं उतना किया, ये भाव रहता था, और अब हो रहा है चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट, बिफोर आई वॉज डूइंग एंड नाउ इट इज हैपनिंग, इतना अंतर है। कर रहे वही काम है, तब भी जब भी वहां डोल डाल मैंने शौच करने जाते थे वहां से लकड़ी इकट्ठा करके लाते थे तो सगन डाल दिया, गंगा जी जाते थे नहाने वहां से दो बाल्टी पानी लेकर ऊपर टैंकी में डालते थे। जमाने को यहाँ बिजली नहीं थी, मोटर वोटर कुछ नहीं था, आजकल तो बटन दबाओ काम चल रहा है। गंगा जी से ले जा करके जो अभी सत्संग भवन जहाँ पर है उसके पीछे बहुत बड़ा टैंकी थी, उसमें भरते थे, सबका इतना नियम था जो जाएगा गंगा एक दो बाल्टी उठा के लाओ और उसमें डाल दो, जो जंगल जाए नहाने दो वहां से लकड़ी लाओ, शौच करने जाएगा तो लकड़ी लाओ, कैरिंग वुड चॉपिंग वुड एंड कैरिंग वाटर। ये बात पहले भी था बिफोर एनलाइटनमेंट, और समाधि के बाद भी वही काम हो रहा है। काम में अंतर नहीं, दृष्टि में अंतर हो गया। पहले मैं करता था और अब शरीर से हो रहा है, ये दृष्टि में फर्क आना चाहिए। ये कर्तृत्व भोक्तृत्व ही बंधन का मूल कारण है, या फिर दृष्टि बदलो, इसको खत्म कर दो, धीरे धीरे होगा अभ्यास। इसे अस्तिचेत यदि कहते मेरे कर्तव्य बाकी है समझ लेना चाहिए वो तत्वित ही नहीं है। यह लोके परे चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वही जीवन मुक्तो यतस्तु स्याद् अब्रह्मवित् परमार्थतः। कहते यह लोके परे चैव, यह लोके परे चैव कर्तव्यम नास्ति तस्य वही,
यह लोक में हो या परलोक में हो, कहीं भी उसे कोई कर्तव्य ही नहीं है। यतस्तो सा जीवन मुक्त, क्योंकि वह जीवन मुक्त है। पूर्व श्लोक में यसे था या तस्य जोड़ देना है। वास्तव में क्या है वो, उसको ब्रह्मविद भी नहीं कहा जाएगा, वो ब्रह्म ही है, उसको ब्रह्मविद बोलोगे। ब्रह्म के जानने वाला है कि ब्रह्म ही है वो, इसे वस्तुतः परमार्थतः अब्रह्मविद। ज्ञानाभ्यास रतो नित्यं विरक्तो ह्यर्थवित् स्वयं कर्तव्य भावमुत्सृज्यो ज्ञानमेवाधिगच्छति। ये स्थिति कैसे प्राप्त होगी, क्या साधन करना पड़ेगा, सुनो साधन के बारे बता रहे। ज्ञानाभ्यास रतो नित्यं, नित्य ही आपका काम है ज्ञान का अभ्यास करना। प्रातः सायं कम से कम, नहीं तो कम से कम प्रातः एक समय सही स्वाध्याय अवश्य करनी चाहिए। ज्ञानाभ्यास रतो नित्यम और विरक्तो ही अर्थवित स्वयं। विरक्तो ही प्रयोजन को जानने, अर्थवित प्रयोजन को जानने वाला होने के कारण से वह समझता है कि संसार का किसी भी पदार्थ से मेरा कोई प्रयोजन वास्तव में सिद्ध होने वाला नहीं है। मेरा वास्तविक प्रयोजन जो मोक्ष है, सांसारिक पदार्थों से सिद्ध होने वाला नहीं है। यह अर्थ को समझने, वित्त प्रयोजन को जानने वाला होने से वह स्वयं सांसारिक पदार्थों से विरक्त, विरक्त होकर के नित्य ज्ञान अभ्यास कर रहेगा। तो कर्तव्य भावम उत्सृज्य, कर्तव्य भाव भाव को परित्याग करके ज्ञानमेवाधिगच्छति। कहीं कर्तव्य अभावम है तो भाव अभाव उभय लेना है, भाव से भी अभाव उपलक्षित करना है, अभाव है तो अभाव से भाव को उपलक्षित कर देना। कर्तव्य भाव उत्सृज्य रहेगा ज्यादा ठीक, कर्तव्य भाव दीर्घ रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों को ग्रहण करना ही है हमें। कर्तव्य अकर्तव्य दोनों को त्याग दिया, कर्तव्य भाव उत्सृज्य ज्ञानमेवाधिगच्छति, ज्ञान के ही एकमात्र शरणागत हो जाता है। और इसके ठीक विपरीत जो दूसरा वो क्या है, वर्णाश्रमाभिमानी से यह त्यक्त्वा ज्ञानं द्विजोत्तमाः अन्यत्र रमते मूढः स्वज्ञाने नात्र संशयः। वर्णाश्रम अभिमानी यह, वर्ण का अभिमानी और आश्रम का अभिमानी, ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्र वर्णाभिमान करता है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम संन्यास आश्रम के अभिमान करके बैठा हुआ है। वर्णाश्रमाभिमानी यह त्यक्त्वा ज्ञानम, और ज्ञान को त्याग दिया, है द्विजोत्तम, है तो द्विजो में उत्तम ब्राह्मण है, फिर भी अन्यत्र रमते मूढ़। अन्यत्र मने ज्ञान और ज्ञान का विषय बता आत्मा और ब्रह्म से भिन्न संसार के विषय में नित्य निरंतर रमण करता मूढ़ पुरुष, सो अज्ञानी, उसी को अज्ञानी कहा जाता है, नात्र संशय, इस विषय में संशय नहीं है। तो मूढ़ होने के नाते वो उसके व्यवहार में क्या क्या होता है वो बता रहे। क्रोधो भयम तथा अलोभो मोहो भेदो मदस्तमः धर्मादौर्मौचते शाम ही तद्वशाच्च तनुग्रहः। क्रोध भय लोभ मोह भेद मैंने द्वैत बुद्धि, मद तम मैंने अज्ञान, धर्म अधर्म जिनके कारण से और जिनके वजह से वह बार बार तनु मैंने शरीर को ग्रहण करते रहता है, मैंने पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहता है। शरीरे सति वै क्लेशः स्वविद्यां संत्यजेत् ततः अविद्यां विद्या हित्वा स्थितस्यैवेह योगिनः। शरीरे सति वै क्लेशः, शरीर में वह क्लेश को अनुभव करता है तब विवेक करता है ये क्या हो रहा है, तो वह सो अविद्यां संत्यजेत्, वह निश्चित रूपेण ये जो क्रोध मोह आदि के कारणीभूत अविद्या को त्यागना चाहता है। ततः अविद्या विद्या हित्वा, उस अविद्या को विद्या के द्वारा नष्ट करके स्थितस्य वह योगिना, स्थितस्य योगिना एव
यही उस्थित ऐसा स्थित योगी का यही वह क्या होगा, क्रोधात्या नाशमायान्ति धर्माधर्मौ च नश्यतः तत्क्षयाच्च शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते। एतादृश स्थिति में स्थित जो योगी है, इस शरीर में रहते हुए ही उसे क्रोध आदि का नाश हो जाएगा, धर्माधर्म का विनाश हो जाएगा, और इन सब का नाश होने से शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते, दोबारा शरीर के साथ संबंधित नहीं होता। सैव मुक्त संसारात दुखत्रय विवर्जितः, वही सा साधक मुमुक्षु को संसार से मुक्त पुरुष माना जाएगा, जो दुखत्रय के अभिघात से जो संसारी बनाता उन दुखत्रय से विवर्जित हो जाए, रहित हो जाए। दुखत्रय कौन है, आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक दुख, इन दुखत्रय से रहित हो जाता है। योगलिंग पुराण का और शिव धर्मोत्तर पुराण में करे तथा शिव धर्मोत्तरे ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः नैवास्ति किंचित् कर्तव्य मस्ति चेन्न सतत्त्वेत्। ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा जो तृप्त हो चुका है उस योगी के लिए इस संसार में कृतकृत्य होने के कारण से नैवास्ति किंचित् कर्तव्यम्, उस संसार में कुछ कर्तव्य विशेष नहीं रह जाता है। और कर्तव्य विशेषम अस्ति चेत् यह विशेष है कर्तव्य, फिर तो न सतत्वित तत्वित ही नहीं है। लोकद्वये भी कर्तव्यम किंचित दस्य न विद्यते ये व संयुक्त स्यात् संपूर्ण समदर्शन। कहते देखो लोकद्वय में भी उसके अंदर कर्तव्य कुछ भी नहीं रह जाता है, किंचित अपि ऐसे कर्तव्य न विद्यते, इसलिए यही वह विमुक्त स्यात्, यहीं पर वह मुक्त हो चुका, वह पूर्णता को प्राप्त हुआ है, वह समदर्शी हो गया है। तस्मात् विदुषः कर्तव्य भावाद अविद्यावत विषय एवं कुर्वन्नेव इत्यादि कर्म नियम, निष्कर्ष दे दिया इतने प्रमाण देकर के। इसे निष्कर्ष निकलता है विद्वान के प्रति कर्तव्य का भाव होने के कारण से अविद्या वाला जो आदमी है अज्ञानी, उसी का विषय है यह कुरन्नेव इत्यादि कर्मगत नियम। इन वस्तुतः ये तो नियम पक्ष मान करके बोल दिया, नियम विधि मान लिया एवकार के कारण से। दूसरा मुख्य पक्ष ले रहे, वस्तुतः कुरन्नेव इति च नायम कर्म नियम, ये नियम पर है ही नहीं, किंतु प्रथम मंत्र में जो कहा हुआ ब्रह्म विद्या का साथ में संन्यास और संन्यास का जो नियम है, क्या नियम बताया संन्यास आश्रम में होंगे वहां प्रथम मंत्र में, तेन त्यक तेन भुंजी था, ये नियम विधि है उसके लिए, माग्रद कस सिद्धनम, ये जो बात कही गई है उसी का स्तुति है ये कुरुन्ने में। कैसे वो घटाएंगे देखिए, किंतु विद्या महात्म्यम दर्शी तुम यथा कामम कर्मानुष्ठान मेव द्रष्टव्यम, जब ब्रह्म ज्ञान के पश्चात यथा कामम कर्मानुष्ठान मेव, जैसे प्रार कर्म है, जैसे प्रार कर्मानुसार ही इच्छाएं अंदर होती हैं उसके अनुसार कर्म करते रहे, क्या फर्क पड़ता है उसको, उसके लिए एक नाटक सा चल रहा है, और नाटक अंतर्वर्ती जो जो क्रियाकलाप होना है वो हो रहा है, होते हुए को क्यों रोकेगा, वो रुकने वाला कौन है, यही वो रुकने वाला है, फिर तो अज्ञानी है, तभी रोकने के प्रयास कर रहा है। इसे कहते हैं न उपरोध्यते, बोल चुका पूरे न विधेय न उपरोध्यते, न रोकेगा न विशेष इच्छा से प्रवृत्त हो गएगा, स्वभावत प्रवृत्त, स्वभावस्तु प्रवर्तत है, प्रकृति में आंति भूतानि निग्रह किं करिष्यते, उसके अपने प्रार कर्मानुसार न प्रकृति अंतर्गत है, उसे निग्रह कौन करेगा, अनुग्रह निग्रह ये सारी चीजें विधि निषेध उसी पर लागू होते जो अज्ञान अवस्था में अज्ञानी है। इसी को समझाते देख विस्तार रूपेण, एतम उक्तम भवति, यह बात यहाँ कहा गया है, यावज्जीवम यथा कामं पुण्य पापादिकं कुर्वत्यपि विदुषी न कर्म लेपो भवति विद्या सामर्थ्यात इति, ये कहने का अभिप्राय, यावज्जीवम यथा काम
पुण्य पाप आदि कर्म करते हुए भी उस विद्वान में कृत उन कर्मों का लेश मात्र भी लेपो न भवती। कैसे आ गया सामर्थ्य उसमें? विद्या के सामर्थ्य से ऐसा हो जाता है। अपनी पंक्ति को विस्तार करते, तथा ही ईशावासमिदं सर्वमित्यारभ्य तेन तिक्तेन भुञ्जायति विदुषा सर्वकर्मत्यागेन आत्मपालनम् उक्त्वा अनियोज्य ब्रह्म विधि त्याग कर्तव्यता उक्तिर उक्तिरपि अयुक्तैव उक्ता उक्ते इति मत्वा चकितः सन् वेदो विदुषस्त त्याग कर्तव्यतामपि नोक्तवान्। त्याग भी उसे करने का विधि नहीं है। तेन त्यक्तेन, तेन त्यज नहीं बोला, जैसे कल आपने पढ़े थे ना, ये न त्यजति तत्यज, विधिलिंग बोला या नहीं है ऐसा। त्यक्त का ही उपभोग जब बात कही जा रही का तात्पर्य यही है। कहते हैं कि इति विदुष सर्वकर्म त्यागेन, सर्वकर्म त्याग के द्वारा जिस आत्म का ही पालन करने में लगा, आत्मनिष्ठ आत्मरति हो चुका है, आत्मानंद है, आत्मसंतुष्ट है, वो जो व्यक्ति है सर्वम इतारभ्य ब्रह्म अनियोज्य ब्रह्मविधि इत्युक्त्वा आत्मपालनम उक्त्वा अनियोज्य ब्रह्मविधि, अनियोज्य मैंने अविधेय भूता ब्रह्मवेत्ता में त्याग कर्तव्यता उक्तिरपि अयुक्त, त्याग करना चाहिए यह कहना भी उचित नहीं है। यूं समझते हुए इति मत्वा चकित सन आश्चर्यचकित होकर वेद कहने लगा, विदुष त्याग तीर्थमपि नोक्तवान, विद्वान को त्याग भी कर्तव्य नहीं है। अज्ञान काल पर्यंत कहा जाता है त्याग दो विरक्त हो जाओ, विरक्त हो जाओ, सबको छोड़ो। कब तक छोड़ाएंगे? जब तक आप अपने में नहीं बसेंगे। आप जिसको भी पकड़ोगे उसको छुड़ाने में लग जाएंगे। आप अपने में बसो तो कोई आप क्या, किसे क्या छुड़ाएगा? आप छुड़ाए तब जो है ना, आप अपने से भिन्न कोई चीज को पकड़ रहे हो तो उसको कैसे मत पकड़ो। कैसे एक बार आदमी बिजली का खंभा था, बगल में खड़ा हो गया, खड़े खड़े बस आने में देर हो रहा था, तो उसने हाथ खंभे पे रख दी, बिजली लग गई। अब उसे बारिश वर्ष गिला था, बिजली आ रही थी। अब दूसरे चिल्ला रहे अरे छोड़ो छोड़ो, अरे छोड़ो छोड़ो कैसे छोड़े, वो तो पकड़ रहा है बिजली। युक्ति से छुड़ाया जाता है, अब पकड़ ले तो पकड़ ले, अब क्या करे, डंडा लेके उसके हाथ को मारा जोर से, भले हाथ टूट जाए इन चिंता तो बचेगा। तो डंडे से हाथ हटाया गया, युक्ति से उसको उससे छुड़ाया गया। यही गुरु लोग काम करते हैं। आप अज्ञान वशात पकड़ लेते हैं और बिजली का झटका लगती है तब पता लगता है हमने जिसको पकड़ा है क्या दे रहा है। हाथ पकड़ना आसान है, ये तो करते ना, ये बात क्या चीज है, पानी ग्रहणम, हाथ पकड़ाओ, वो बिजली का खंभा है। खतरा ही खतरा है, आदमी समझता है ही नहीं, और बेचारे वो भी नहीं समझती है। दोनों के लिए बात है, एक तरफ की बात मत समझो, वो भी नहीं समझती, पकड़ लेती है, ये हमारा सहारा बनेगा, जीवन साथी बनेगा, बहुत सुख देगा, वो पीटने लगता है, धर पी के तब पता लगता है हाँ भाई कितना सहारा दे रहा है। इसलिए कहते कि देखो कि वो जो छोड़ाने के लिए बात कहा है श्रुति ने, वो छोड़ने के लिए भी वेद नहीं कहता विद्वान को, किसको उसने उसे किसको पकड़ा ही नहीं तो छोड़ाना क्या है, वहां जो पकड़ा है उसको छोड़ाना पड़ता है, और उसे किसको पकड़ा ही नहीं, सबका त्याग करके आत्मनिष्ठ हो चुका। इसलिए वेद जो है तार्श ब्रह्म ज्ञानी को त्यागने का विधि नहीं करती है। नोक्तवान, किंतु किया क्या फिर, कुर्वन्ने वेह लोके विद्यमान पुण्य पापादं कर्म यावत् जीवं जीविष्यति। उल्टा यह कहता है, जीता है जब तक जीते रहोगे तब तक जो जो तुमसे कर्म होना है होने दो, करते रहो, होने दो, उसको रोको मत, नहीं करूंगा संकल्प मत करो। किंतु यावत् जीवं जीविष्यति करते हुए न पुण्यादि बंधन भयात पुण्यादिकं त्यक्त्वा तुष्टिमातिष्ठे। कहने का अभिप्राय है पुण्यादि से बंधन होगा, इस भय से पुण्यादि को त्याग करके चुपचाप बैठ जाओ, ये इसका तात्पर्य नहीं। एवं तावत कर्माणि कुर्वत्यपि विदुषी त्वयि, एवं त्वयि ते
न कर्म लिप्यते न रे, है ना, मंत्र में उसको घटा रहे एवं तावत कर्मणि कुर्वती अपि, कर्म करते हुए भी तुझ में त्वयि विदुषी, विदुषी त्वयि इतो मैंने यावत जीवानुष्ठानादपि अन्यता भाव, मैंने स्वरूपात्म प्रच्युति, स्वरूप से मैंने आत्मस्वरूप से प्रच्युति, स्वरूपात् प्रच्युति पुण्यादि निमित्त संसार अन्वयो नास्ति। एक बार विद्वान हो गए, ब्रह्मानुभूति हो गई, उसके बाद में दो बार अथवा स्वरूप से च्युति नहीं हो सकती, न पुण्य आदि के निमित्त को संसार के साथ संबंधी होने वाला है। इसे क्रियमाण कर्म कहते, जीवन मुक्त के क्रियमाण कर्म को कुर्वन्ने वह बोल रहा है, और क्रियमाण कर्म भी ब्रह्म विद्या से नष्ट हो जाने के कारण से वह भी आपके साथ संबंधित होकर के पुनर्जन्म आदि को देने वाला नहीं होता है। अथवा अतः तीसरा पक्ष भी अन्वय कर रहे, देखो इत कर्मानुष्ठानोत्तर काल भावी अन्यथा भाव संसारान्वयो नास्ति। इत माने ब्रह्म ज्ञान के उत्तर क्षण से, उसके अगले क्षण से जो भी आपके शरीर से काया वाचा मनसा कर्म का अनुष्ठान होता है, कर्मानुष्ठानोत्तर काल भावी, कर्मानुष्ठान के उत्तर काल में क्या हुआ करता है, हमेशा स्वर्ग या नरक मिलता है, ये तो उत्तरभावी फल है। कर्मानुष्ठान के उत्तरभावी फल क्या है, स्वर्ग नरक आदि पुनर्जन्म योनि योनिअंतर गमन, वह कदाचित भी तुम्हें होने वाला नहीं, ये कहना चाहते। कर्मानुष्ठान उत्तरभावी जो अन्यता भाव है संसारान्वयो वह नास्ति। यस्मात् जिसलिए त्वयि विन्यस्तम् न कर्म लिप्यते, तुझ में विन्यस्त जो कर्म है वह कर्म तुमसे लिप्त नहीं होता, संबंधित नहीं होता, असंगे तुम रह जाते हो, असंग एवं पुरुषम तुम्हारी प्रतिष्ठा बनी हुई है। तथा च श्रुत्यंत्र, इस बार श्रुत्यंत्र भी स्पष्ट कह देता है, न लिप्यते कर्मणा पापकेन, 4-4-23 वृदारण्य गए एवं विधि पापम कर्म न श्लिष्यते, छांदो के 4-14-3 है, एवं ऐसे व्यता में कर्म किसी पापम कर्म उपलक्षण है पुण्य कर्म के लिए, पाप के ना मैंने पुण्य के ना अपी पाप ने पुण्यम कर्म अपी न श्लिष्यते मैंने संबद्धते नैव कृता कृते तपतः, 4-4-22 वृदारण्य कृत कृत उसको तभी तपाते नहीं, किम शुभम अकरवम किम ना करवम, ये उसको मन में क्लेश नहीं होता, क्या मैंने आज अच्छा काम किया है या अच्छा काम नहीं किया, इस प्रकार के विचार से उसके मन में किसी प्रकार का संताप नहीं होता है। एवं भाष्य सर्वे पापमान प्रदुयंते, 5-24-3 में मुंज आदि विषय काम दृष्टान दिया था, ये मुंज घास की जो रुई होता है और रुई में आग लग जाए क्षण भर में जैसे भस्म हो जाता है सब कुछ, ब्रह्म विद्या ऐसे इसके सगल कर्म क्षण भर में भस्म हो जाता है। सर्वे पापमान प्रदूयंते जल कर राख हो जाते हैं। पुनः लिंग पुराण का जरे लेंगे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा ज्ञानी न सर्वकर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशयः कृणन्नपि न लिप्येत पापैर्नानाविधैरपि। इस श्लोक का पहले आधा दे दिया, जैसे गीता में भी है ये, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, सकल कर्मों को ज्ञान रूपी अग्नि भस्मीभूत कर देता है। भस्मसात सात्विक प्रत्यय है, सात्विक प्रत्यय उसी अर्थ विशेष में होता है कि एक कण भी न छोड़े, पूर्णतया स्वभाव, इसलिए सात माने भस्मसात का तात्पर्य एक भी कर्म, कर्म के एक अंश भी बचता नहीं है, ब्रह्म विद्या होते ही सब भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ज्ञानी न सर्वकर्माणि जीर्यन्ते नात्र संशयः कृणन्नपि लिप्येत पापैर्नानाविधैरपि। ज्ञानी न, ज्ञानियों की जो सकल कर्म है जीर्यन्ते वह स्वतः ही जीर्ण शीर नष्ट हो जाते, नात्र संशयः माने कर्म ज्ञानोत्तर काल में प्रार्थनावशात
विद्यमान ही शरीर से जो होता वह कर्म है, वह कर्म फल दिए बिना ही स्वयं जीर्ण शीर्ण होकर नष्ट हो जाते हैं। क्रीडन्नपि, इसलिए शरीर के द्वारा जितने भी क्रियाकलाप हो रहा है वो सब क्या है, उसके लिए एक खेल है, एक नाटक चल रहा है। ये भी एक नाटक है, वो भी एक नाटक है। भजन शैव भक्त शिव शैवाद्वैत में जो आरूढ़ थे, जो भी आवे कहते वाह महादेवा जिस रूप में आ गए, महादेव आप इस रूप में आ गए, चोर आके तो महादेव आप इस रूप में आ गए। अरे आप ऐसा कैसे बोलते हम चोर है? अरे चोरी तो क्या है, भगवान रुद्र में कहा है ना तस्करे भ्यो नमो नमः, इसलिए आपको मेरा नमस्कार है। ये भाई चोरों को ही नमस्कार कर दिए और बिठा दिया, चाय पिला दिया उनको। अरे पहले चाय तो पी लो, ठंडी ठंडी में रात में तुम घुसे हो अंदर तो कोई बात नहीं, महादेव पहले चाय पी लो, बाद में माल ले लेना, जो लेना देखा जो तुम्हारा काम है। इस उपाधि में ही होता है, आप उपाधि धारण करके आए हो कोई बात नहीं, शिव जी कर रहे हैं, आपत्ति क्या है। प्रेम से चाय पिलाए और फिर बताए देखो अब चलो अंदर, इसमें चना है, इसमें जो है बादाम है, इसमें जो देखो काजू है, इसमें ये है इस वो है। अरे पैसा कहाँ है? पैसा तो है ही नहीं। अरे कैसे बाबा हो? अरे महादेव आज तक कोई ऐसा स्वांग बना के महादेव आया ही नहीं, तो 500 रुपये दे जाए। यदि एक महादेव देता दूसरे महादेव ले जाता, मेरा क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं दे देता आपको, है ही नहीं तो क्या करें। तो उन्होंने देखे तो महादेव महादेव तो हमें भी महादेव बना दे गए, यहाँ से भागो। उनमें से एक बचा, बाकी तीनों भाग गए चार में से। एक ने देखा नहीं ये साधारण नहीं है, इनकी सेवा करने से भला होगा, का चोरी करते जिंदगी बीत गई बेकार, उसके मति बदल गया। जब हमारे ओमकार से महाराज जी वहाँ पधारे थे सुंदर नगर हिमाचल प्रदेश में उस स्थान में, वो जो चोर महात्मा बना था वो था, वो अंतिम स्थिति में था, उसने उनको कहानी सुनाया था, वो कहानी हम लोगों को महाराज जी ने सुनाया और हम आपको सुनाए और आगे सुनाते रहें परम्परा चल। चाहे कमाने सुनाओ चाहे विद्या प्राप्ति के लिए सुनाओ, मर्जी आपकी। क्रीडन्नपि न लिप्येत, क्रीडन्नपि सारी क्रियाकलाप रूप खेल रूप खेल खेलते हुए भी न लिप्येत पापैर नाना विधैरपि, पुण्य पापात्मक जितने भी कर्म है उनके द्वारा ये लेश मात्र वह लिप्त संबद्ध नहीं होता। एवं पुनः शिव धर्मोत्तर पुराण में जा रहे शिव धर्मोत्तरे अपि इति तस्मात् ज्ञानासिना तूर्णम अशेषं कर्म कर्म बंधनम कामा काम कृतं चित्वा शुद्धश्चात्मनि तिष्ठति। तस्मात् ज्ञानासिना तूर्णम, शीघ्र तूर्णम ने शीघ्र जल्द से जल्द जैसे पता चले हाथ है स्थिति मामला है तुरंत ही अशेषम कर्म बंधनम संपूर्ण कर्म बंधन कामना पूर्व कृतो या कामना रहित कृतो कामा काम कृतम कर्म बंधनम अशेषम छित्वा। कैसे छेदन करोगे? ज्ञानासीना ज्ञान रूपी तलवार से, और ज्ञान रूपी तलवार कैसे मिलता है? गीता असंग शस्त्र तृणेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से ज्ञान रूपी तीर मिल जाता है, इसे सारा काट दो तो क्या होगा? शुद्धश्च आप शुद्ध हो जाओगे और आत्मनि तिष्ठति स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।